खराब बात है। देखा जाए एक रेसलर महिला, देश के लिए ओलंपिक लाने वाली महिला, उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। और जिस तरह से ये जानबूझ कर अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये यूपी सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है और कह रही है कि पॉस्को लगा दी है और FIR लिखी। बात FIR की नहीं, बात पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी की है। जब पॉस्को लग गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? मसला ये है कि आप अपनी मनमानी करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कानून चले, ये गलत है और ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं। आपने भी कहा कि एक मेडल लाने में बड़ी ताकत और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही ब्रजभूषण जी कह रहे हैं 15 रुपए का मेडल है। वो इस मेडल की कीमत असल में जानते नहीं है। उन्होंने मेडल का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की बेटी का अपमान किया है। और देश का वो देश के लिए मेडल था ना, वो किसका मेडल था? वो हिंदुस्तान का मेडल था ना, वो भारत का मेडल था ना। तो भारत के मेडल को आपने 15 रुपए का कहा, तो आप तो क्या हुए? आपने अगर भारत का अपमान किया और देश का अपमान किया तो आपके ऊपर तो एक एक्ट और लगना चाहिए, वो है देशद्रोही का। मैं ये चाहती हूँ ब्रजभूषण ने जो 15 रुपए का मेडल कहा है, उसने देश के मेडल का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। और ऐसे देश के अपमान करने वालों पर देशद्रोही का मुकदमा ऐसे लगनी चाहिए। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो राशि है करोड़ों में मिली है वो वापस करो, मेडल अपने पास ही रखो। राशि उनकी थी, उनके घर की थी, उनके बाप दादाओं की थी, क्या वो वरासत में लेके पैदा हुए थे? वो राशि वो देश की राशि है, वो देश का टैक्स है, वो देश का पैसा है। और वो देश का पैसा एक बेटी को मिला है और एक सम्मान के लिए मिला है। और वो पैसा आपका पैसा नहीं था जो मांग रहे हैं, क्यों? आपको जो जनता ने बटाला है वो कुर्सी किसकी है? वो जनता की कुर्सी है, आपके घर की कुर्सी नहीं है, वो आपकी वरासत नहीं है, वो आपके बाप दादा की पुश्तैनी वरासत नहीं है जिसपे आप आकर बैठे हैं, ठीक है? तो आप ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी मर्यादा में रखिए। ब्रजभूषण जी, मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ कि आप अपनी मर्यादाओं में रखिए, मर्यादा से बाहर मत जाइए। जन चेतना देखिए, ये रैलियाँ जो कर रहे हैं ना, इनको रैली नहीं करनी चाहिए, इनको जेल की चार दीवारी से होना चाहिए और ये कह देना चाहिए शोषण करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर पॉस्को लगती है। आपको पता ही होगा जो कानून पॉस्को लगा है वो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की वजह से, तो ये झूठ था। अच्छा, मतलब मुकदमा लिख गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात है? क्या देश का कानून नहीं मानते आप? देश के संविधान को नहीं मानते और वाकई सच में नहीं मानते हैं ये आप? ये अपने नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, विपक्ष के लिए कानून है, दूसरों के लिए कानून है, आम जनता के लिए कानून है, जिसपे चाहते हैं बुलडोजर चला देते हैं, जिसका चाहते हैं एनकाउंटर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। और इनका नेता बलात्कार भी करेगा, शोषण भी करेगा, रेप भी करेगा, तो उसको माला फूल पहनाएंगे, उसकी रैलियां करेंगे, उसके नारे लगवाएंगे। ये ऐसी सरकार है, हट धर्म और बेकार सरकार है। आपको पता है किसान आंदोलन